हेलो एवरीवन, मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की तीसरे मेथड के ऊपर, जो किसी स्पेसिफिक नंबर्स के लिए ही है। अब जैसे कि हमने लास्ट टू वीडियोस में सीखा था, पहली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि हम दो तीन चार अंकों की संख्याओं से किसी नंबर में किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो तीन चार डिजिट्स जो नंबर होते हैं हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर लिया है। और दूसरी वाली वीडियो में हमने सीखा था कि कुछ जो स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, जो कि 100 के आसपास है, 200 के आसपास के नंबर्स हैं या 300 के आसपास के नंबर हैं, उन नंबर से हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमने दूसरी वाली वीडियो में सीखा था। जैसे कि मान के चलो आपको 109 इंटू 105 करना है, तो ये हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो ये हमने दूसरी वाली वीडियो में कवर किया था। आज तीसरी वाली वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीप्लाई की, आज हमारी तीसरी वाली वीडियो है ये, और इसमें हम कवर करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक नंबर जिनके बीच का डिफरेंस दो है, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपसे पूछूं मैं 24 इंटू 26 क्या होता है, तो क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, दो है, तो इसकी भी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है कि हम किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो किसके बराबर होगा, 25 के स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। इनके बीच वाली संख्या के स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। बीच वाली संख्या क्या है 24 और 26 की, 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस दो है, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इस वाली वीडियो में सीखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा किस तरीके से आता है, क्योंकि हम जानते हैं एक हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस वी इंटू ए प्लस वी का, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यदि आप इसमें b की जगह 1 पुट कर दें, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस 1 बन जाएगा, जो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। अब जो हमारे नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स इस टाइप के होंगे, a माइनस 1 और a प्लस 1 टाइप के नंबर्स, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, दो है। तो हम उन नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और उन नंबर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, उन नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 टाइप के नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प से अपनी कैलकुलेशन को आसान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 टाइप नंबर्स। अब जैसे मान के चलो आपको निकालना है 94 इंटू 96 निकालना है, तो 94 इंटू 96 हमारा क्या होगा, ये जो होगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 94 को 95 माइनस 1 लिख सकते हो, और 96 को क्या लिख सकते हो, 95 प्लस 1 लिख सकते हो, 95 प्लस 1 और 95 माइनस 1, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 95 का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 की हेल्प से आप बता पा रहे हो कि 95 माइनस 1, 95 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 95 के स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, जिनके बीच का डिफरेंस दो है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों नंबर्स जो हमारे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दो है, 94 और 96 के डिफरेंस क्या है, दो है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनके बीच की संख्या, 94 और 96 के बीच की संख्या क्या होती है, 95 होती है, तो 95 का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। ये चीज आप डायरेक्ट बता सकते हो। और यहाँ पर इस टाइप के कभी भी आपको कोई नंबर मिलेगी जिनके बीच का डिफरेंस दो है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है अप्लाई करने के लिए, यदि कैलकुलेशन को आपको आसान बनाना है तो। क्योंकि यदि आप यहाँ पर वो वाला मेथड लगाओगे, वैदिक मैथ वाला या कोई भी मेथड लगाओगे, या फिर 100 के आसपास वाला भी, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच का डिफरेंस मुझे दो दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट बता पा रहे हो यहाँ पर कि इसका जो प्रोडक्ट होगा 95 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। 95 का स्क्वायर हर कोई जानता है क्या होता है, 90-25 होता है, तो 90-25 माइनस 1, 90-24 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट देखकर बता सकते थे कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 9024 होगा। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है। अभी कुछ और नंबर के साथ उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला काम कर रहा है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये जो हमारा होता है ए माइनस 1 और ए प्लस 1, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पर ये था, तो इसका क्या आ गया था, 95 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया था, जिसका आंसर क्या आया था, 9024 आया था। अभी और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप देख सकते हो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दो है। जब कभी भी कोई दो नंबर आपको दिए हो जिनके बीच का डिफरेंस दो है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, बीच वाली संख्या, इनके बीच वाली संख्या क्या, 38 है, 38 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, और 38 का स्क्वायर क्या होता है, 1444 होता है, तो 1444 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1443 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट बता सकते हो इस टाइप के नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है। अब मान के चलो आपको निकालना है 26 इंटू 24 निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दो है। तो इनके बीच का जब डिफरेंस दो है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625 में से एक जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा।
अब 33 × 35 निकालना है। 33 × 35 बीच में डिफरेंस क्या है, दो है दोनों नंबर के में, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है इन दोनों के बीच की, 34 है, तो 34 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1156 होता है। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156 होता है। 1156 में से एक जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1155 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब मान के चलो आपको 126 × 124 करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दो है, तो इनके बीच का डिफरेंस दो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 125 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब 125 का स्क्वायर क्या होता है, 156 होता है, तो 156 में से एक जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 156 24, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन टाइप के नंबर्स का मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, जिन टाइप के नंबर में का बीच का डिफरेंस क्या है, दो है। तो ये हमारे इस फॉर्मूले की हेल्प से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब मान के चलो, अब क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन की वो किस फॉर्मूले की हेल्प से की थी, a-v × a+v की हेल्प से की थी, जो किसके बराबर होता है, a²-v² के इक्वल होता है। अब ये जो नंबर्स थे वो सारे नंबर्स थे जिनके बीच का डिफरेंस दो है, वो सारे नंबर्स थे जिनके बीच का डिफरेंस दो है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारे उन सारे नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है जिनके बीच का डिफरेंस 4 हो 6 हो 8 हो, उन नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन वहां पर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान नहीं होती और हमारा टाइम भी कुछ खास कम नहीं लगता है, उल्टा ज्यादा ही लग जाता है। तो वहां पर हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 4 हो या 6 हो या 8 हो, या फिर हम जो कोई दूसरा मेथड हो वहां पर हम उस वाले मेथड को लगा लेते हैं। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से उस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो आपसे मैं कहता 94 × 98 करना है, 94 × 98 करना है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारा 4 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, 96 का स्क्वायर -4 के बराबर होता है। लेकिन आप देखोगे कि 96 का स्क्वायर -4 जो आया, आप इसमें 96 का स्क्वायर करोगे, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपको उतना ही टाइम ले जाएगा या उससे ज़्यादा भी टाइम ले जाए, जितने हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले की हेल्प केवल हमें तभी लेनी है जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमारा 2 हो, और ये फॉर्मूला तब उस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर बी की वैल्यू क्या पुट हो जाती है, 1 पुट हो जाती है, और a²-1 के बराबर हो जाता है। और बताने में भी हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, वो क्या है, जैसे 94 और 96 था, बीच वाली संख्या के a²-1 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि इनका किसके स्क्वायर के बराबर होगा, कि यहाँ पर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, जो संख्या होती है उसका हाफ करके वो छोटी वाली संख्या में ऐड करनी होती है, उसका स्क्वायर माइनस उस नंबर का स्क्वायर करना होता है। तो इस तरीके से ये निकला था, लेकिन आप इसमें इतना ज़्यादा सोचोगे इतने में तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला फॉर्मूला वाला मेथड, ये केवल तभी ज़्यादा बेस्ट है कैलकुलेशन में जब उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मेथड आपको किसी और टाइप के नंबर्स में नहीं लगाना है जिसका बीच का डिफरेंस 4 है 6 है 8 है। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन वाला ये वाला थर्ड वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।